कल से हो रही तेज बारिश के चलते थाना ताबरपुर क्षेत्र के शंभूपुर गांव में आज सुबह एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें गरिमा देवी की दबने से मौत हो गई। मकान गिरने की सूचना पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने आनन फानन में मलबे को हटाकर मलबे में दबे संतोष व पशुओं को बाहर निकाला। मृतका के पुत्र संतोष उपाध्याय का कहना है कि यह मकान बहुत ही पहले से जर्जर है, आवास के लिए दर दर भटकता रहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान से भी करीब 5 बार आवेदन कर चुका है व तहसील पर भी आवेदन कर चुका है, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पर मामले की सूचना पाकर ताबरपुर पुलिस के साथ साथ तहसीलदार निजामाबाद ने पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे कि इस परिवार को मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। क्या नाम है आपका? संतोष उपाध्याय। कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था? 5 बजे बरसात हो रही थी लगातार, दीवार अचानक गिर गई, माता जी दब गई, उसी मर गई और हमने गांव वालों को सीधा हम किसी तरह से निकले, गाय वो सब दब गई थी और निकाले उसको। इसके बाद माता जी को ले गए चारपाई पे, वहाँ सुलाए और 2-4 मिनट भी नहीं हुआ तुरंत खत्म। आपको इतना पुराना आपका घर था, क्या आप आवास के लिए कोई आवेदन नहीं किए थे? आवास के लिए हमने 4-5 बार आवेदन किया था, एक बार भी नहीं मिला। कहाँ पे आवेदन किया था? प्रधान जी के यहाँ। नाम है आपका? राजा। कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था? 5 बजे दीवार गिर गई थी जी, उनका घर गिर गया था, चिल्ला रहे थे, हम लोग आए तो निकाले, उनकी माता जी की मौत हो गई। कैसे कैसे क्या आप जब आप दबा आए तो कैसे दबी हुई थी? नीचे थी दीवार, उनके ऊपर था, उसके बाद हम लोग खींच खींच के निकालने की किसी तरीके से, गाय भी दब गई थी, बचिया भी दब गया था, इनका लड़का भी दब गया था, जब करकट हम लोग हटाए तो ये निकला, उसके बाद इफात देकर निकलवाया हम लोग। ये भारी बारिश की वजह दीजिएगा। प्रधान घटनाक्रम कैसे क्या हुआ था? घटनाक्रम सुबह बारिश हो रही थी, बारिश तो कल से हो रही थी लेकिन आज सुबह जो भोर में 5 बजे बहुत तगड़ी बारिश हुई है, जिसमें दीवार गिरी है, नीचे सोई थी, दीवार गिरी है, उनकी मृत्यु भी हो गई है। गांव की बहुत गरीब महिला है। मृतका के पुत्र का कहना है कि आवास का कई बार आवेदन किया गया था जो आवास भी नहीं मिला इनको। हाँ, जब भी सूची बनती है तब इनका पहले नाम डाला जाता है लेकिन आवास मिलवे नहीं करता है। बहुत लोग ऐसे हैं, इनका तो नंबर 1 पर आता है गाँव में,